ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। आज मैं आपको श्वेत लघु पत्र बच के बारे में बताऊंगा या उसकी पहचान कराऊंगा। इसका अनुभूत तो मेरा उपयोग नहीं पता है, लेकिन ये बच का एक प्रकार है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ मैं पहचान कराना है, बताने की आपको। तो ये देखिए, जैसे लघु श्वेत लघु पत्र बच, इसकी आपने देख ली होगी पत्ती है, इस पे छोटी छोटी होती है और ये 6 इंच तक के ही होते हैं, ज्यादा 1 फुट तक भी नहीं जाते पौधे। जाते होंगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी तक इतना दिखाई नहीं दिया। तो ये बच है, जैसे बच होता है घोड़ा बच, उसी हिसाब से ये भी बढ़ता रहता है आगे को, और उसी हिसाब से इसकी जो परकंद है वो फूट के नए नए पौधे बनते रहते हैं। तो ये इसकी देखिए पहचान है। इसका किसी वैद्यराज जी या वैद मित्र या हमारे किसी को भी अगर इसकी जानकारी हो, इसका उपयोग पता हो, तो कमेंट के माध्यम से उससे बताइएगा, ताकि इसका उपयोग किया जा सके और फ्यूचर में लाभ लिया जा सके। तो ये छोटी सी बस पहचान थी। और ये हमारे जो बतख हैं, ये हमारे एक मित्र हैं खुर्जा से, चौहान जी, उन्होंने दिया था, गिफ्ट किया था, और वो ब्रह्मी ले गए थे अपने लिए और अपने स्कूल के बच्चों को देने के लिए लगाया उन्होंने, टीचर हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके पोर्ट में हमारी श्वेत लघु पत्र बच का पौधा तैयार हो रहा है। तो इसी के साथ ही फिर मैं नए जड़ी बूटी की पहचान लेकर आऊँगा, और जल्द ही मैं पाठा, लघु पाठा और बृहद पाठा यानी बड़ी पाठा के बारे में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इन पाठा का उपयोग किसी को पता हो तो वो भी मुझे बताएं, कि ताकि मैं अन्य लोगों को भी बता सकूं। आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रगति माता की।